हमारा एक टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपकी इस लास्ट यूनिट से रह गया था, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फिनोमेना दिया था वो माइकल फैराडे ने 1831 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया था ये कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। देखो, इससे पहले हम टॉपिक पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये भी हम निकाल चुके हैं, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है फोर्स। फोर्स जो है करंट पर डिपेंड करता है, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है, कितनी लेंथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। और साथ में अगर हम ये सपोज करें यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है उनके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, तब हमारा ये फॉर्मूला आता है। अदरवाइज हम इसको ऐसे लिखते हैं IBL साइन थीटा, कोई भी मान लो ये हमारा कोई कंडक्टर यहाँ पर था और कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम इधर दिखाते हैं, ये हमारा कंडक्टर है कोई भी जिसमें से हमने करंट पास किया हुआ है, आई ऊपर की तरफ करंट पास किया हुआ, मान लो ऐसे करंट पास किया है, और ये हमारा जो है एंगल थीटा है। तो एफ जो है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, करंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, इसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया हुआ है कितने एंगल पर लगाया हुआ है, मान लो थीटा एंगल पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो बी पर डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करेगा, और साइन ऑफ द एंगल जो कंडक्टर किसके साथ बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाता है, उसके एंगल पर डिपेंड करता है। तो साथ ही साथ हमने डायरेक्शन भी निकाली थी यहाँ पर, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो थी वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारी फ्लेमिंग के, फ्लेमिंग्स जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, लेफ्ट हैंड रूल ये हमें इसकी डायरेक्शन देता है, फोर्स की डायरेक्शन, कितना जो फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, वो हमें कौन देता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देता है, जो कि हम लास्ट टाइम जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो है फैराडे ने, फैराडे जो कि एक इंग्लिश जो था फिजिस्ट था, उसने ये इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो कंसेप्ट था। फैराडे ने कुछ एक्टिविटीज़ की जिसके बेस पर उसने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने एक जो है कॉइल ली, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको वाउंड किया और उसके साथ जो है एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। कई एक्टिविटी उसने की है, एक्टिविटी हम डिस्कस करते हैं पहले, फिर करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। एक्टिविटी देखो, पहले हमें यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। यहाँ पर हमने किया था कि जब किसी करंट कैरिंग कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। बट अगर हम यहाँ पर ऐसा करें कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से अगर हम क्या चेंज कर दें, या किसी कॉयल में से क्या चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, किसको चेंज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसके अंदर एक जो है करंट इंड्यूस हो जाता है, जिस करंट को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड करंट। और ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मीनिंग पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ही कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी
इन ए कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। यानी कि किसी कॉइल में से कोई भी कॉइल हमें गिवन है या कोई कंडक्टर हमें गिवन है, कंडक्टिंग वायर हमें गिवन है, उसके अंदर क्या करना, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो फिनोमिना है, उस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको चेंज करना है किसी भी वायर में से या किसी कंडक्टर में से, और उसके अंदर क्या इंड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर प्रोड्यूस करनी है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो माइकल फैराडे ने कई एक्टिविटी की और उनकी एक्टिविटी हम डिस्कस करते हैं, और उसके बेस पर फिर हम देखते हैं भी जो इंड्यूस्ड जो करंट आएगा। देखो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है तो करंट भी प्रोड्यूस होगा, उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्टिविटी जो उसने की थी, उसने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ली और उसको वाउंड किया किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर से, उसको वाउंड किया, और इसके साथ कॉइल के साथ जो है एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर अटैच कर दिया, गैल्वेनोमीटर, और एक बार मैग्नेट लिया। सबसे पहले बार मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ पोल जो है और ये साउथ पोल। स्टार्टिंग में बार मैग्नेट को किसकी तरफ मूव करवाया, इस कॉइल की तरफ मूव करवाया, और ऑब्जर्व किया गैल्वेनोमीटर, जैसे हम इसको मूव करवाते हैं तो फैराडे ने क्या किया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन चेक की। तो स्टार्टिंग में जो डिफ्लेक्शन थी उसने ऑब्जर्व किया, डिफ्लेक्शन जो आई गैल्वेनोमीटर की, डिफ्लेक्शन जो थी वो मान लो ये यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन था जब तक मैग्नेट स्टेशनरी था। तो जब मैग्नेट को उसने मूव करवाया, जैसे जैसे वो मैग्नेट को मूव करवाता है गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, मान लो डिफ्लेक्शन जो है वो राइट की तरफ आ जाती है। और फिर उसने यही एक्टिविटी की, उसने मैग्नेट को इसके पास ला के रोक दिया, यानी कि मैग्नेट को स्टॉप कर दिया, तो उसने देखा गैल्वेनोमीटर जो है वो फिर दोबारा से नल पे आ जाता है, जीरो पॉइंट पर आ जाता है। बट फिर उसने क्या किया, गैल्वेनोमीटर उसको मैग्नेट को अवे मूव करवाया, और अवे जब मूव करवाया तो उसने पाया कि डिफ्लेक्शन जो थी वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन जो है, गैल्वेनोमीटर जो है वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन शो करता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को फिर उसने दोबारा से किया। अब उसने क्या किया, कॉइल जो ली थी, अब उसने साउथ पोल को जो है मूव करवाया, साउथ पोल को पहले मैग इसकी तरफ मूव करवाया कॉइल की तरफ, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेक की। जब कॉइल को साउथ की तरफ वो मूव करवाता है तो वो यहाँ से क्या ऑब्जर्व करता है, मीनिंग साउथ पोल को जब वो कॉइल की तरफ मूव करवाता है तो वो डिफ्लेक्शन जो उसको मिलती है, डिफ्लेक्शन उसको लेफ्ट की तरफ मिलती है। लेकिन यहाँ पर जब नॉर्थ पोल को उसने किसकी तरफ मूव करवाया था, टुवार्ड्स द कॉइल, नॉर्थ पोल को, तो डिफ्लेक्शन उसको किधर मिली थी, राइट की तरफ। लेकिन जब साउथ पोल को उसने कॉइल की तरफ मूव करवाया तो डिफ्लेक्शन उसको किधर मिली है, लेफ्ट की तरफ मिली है। ये कब मूव करवाया, टुवार्ड्स। लेकिन जैसे ही उसने अब वो साउथ पोल को अवे मूव करवाता है मैग्नेट से अवे, तो उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और गैल्वेनोमीटर जो है वो अब राइट की तरफ डिफ्लेक्शन देता है। साउथ पोल को जब उसने, व्हेन साउथ पोल इज मूव्ड अवे, तो मीनिंग हर एक केस उसने डिस्कस किया, हर एक केस को उसने वेरीफाई किया, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब तक मैग्नेट कॉइल के विद रिस्पेक्ट में मूव करता है तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, और अगर हम मैग्नेट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाती है। तो उसने यहाँ से कंक्लूजन निकाला
कि जब किसी मैग्नेट को हम कोयल की तरफ मूव करवाते हैं तो हमें पता है मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कोयल के अराउंड क्या हो जाता है या कोयल में से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। जैसे जैसे मैग्नेट मूव करता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मीनिंग क्या है, व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कोयल, जब तक क्या है मैग्नेट और कोयल के बीच में रिलेटिव मोशन है तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर कोयल को और मैग्नेट को हम स्टेशनरी कर दें, मीनिंग इनको एक फिक्स डिस्टेंस पर रोक दें, या हम दोनों को मूव करवा दें, ऐसे मान लो मैं इस कोयल को और मैग्नेट को मैं इधर मूव करवा रहा हूँ विद वेलोसिटी वी, और कोयल को मैं इधर मूव करवा रहा हूँ विद वेलोसिटी वी, तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी, वी रिलेटिव वेलोसिटी, वो जीरो आ जाएगी। तो ऐसी टर्म में एक तरह से ये जो कॉयल है और ये जो मैग्नेट है, ये दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगे। जब स्टेशनरी है तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। जब कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कोई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो मीनिंग क्या है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिफ्लेक्शन तब शो करता है जब एक कॉयल और एक मैग्नेट के बीच में, कॉयल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। उसने इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्स डायरेक्शन में भी किया। उसने क्या किया, अब मैग्नेट को रखा स्टेशनरी और कोयल को मूव करवाया। मान लो ये हमारा मैग्नेट नॉर्थ पोल मैग्नेट का, और ये हमारी कोयल, और यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अब वो इसको तो रखता है रेस्ट पर, स्टेशनरी रखता है, और जबकि कोयल को मूव करवाता है इसकी तरफ। ये हमारी क्या कोयल है, कोई भी इंसुलेटेड कॉपर वायर है, जैसे सोलेनोइड आपने पढ़ा हुआ, एक तरह का सोलेनोइड है ये। इसको मूव करवाया इसकी तरफ, जब इसको मूव करवाएगा, हमें पता है यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होती है, ऐसे नॉर्थ पोल से आउटसाइड आती है बार मैग्नेट का केस, आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी बार मैग्नेट की वजह से कैसे होती है। तो जब इस कॉयल को इसकी तरफ मूव करवाता है, तो देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है जैसे जैसे पास जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा पास होंगी। इसका मीनिंग इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इसके अंदर से, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। और ऐसे ही जब इसको हम अवे मूव करवाएंगे ऐसे कोयल को, तब भी इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तब भी गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। यानी कि दोनों केस में ये जो है, एक बार राइट की तरफ और दूसरी बार जो है लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है। ये एक्टिविटी जो है फैराडे ने की थी। और दूसरी एक्टिविटी उसने क्या की, उसने कॉयल ली, इस कॉयल के साथ लगाया गैल्वेनोमीटर। मान लो ये कॉयल S1 है हमारी, और दूसरी एक और कॉयल ले इसके पास, इस कॉयल में से, इस कॉयल के अंदर उसने एक बैटरी लगा दी और करंट पास करवाया या सेल लगा दिया। ये हमारी सेकेंडरी कॉयल है, ये हमारी प्राइमरी कॉयल है। तो कॉयल, जिस कॉयल के अंदर से उसने करंट पास करवाया हुआ है, हमें पता करंट कैरिंग कॉयल। अब जब किसी कॉयल में से करंट पास करते हैं या किसी सोलेनोइड में से करंट पास करते हैं, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लिखते हैं μ0n ×I। देखो ये आप μ0 जो होती है परमेबिलिटी होती है, कोई सबस्टांस अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को पास होने देता है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स होती है, और आई जो है करंट, ये नंबर ऑफ टर्न्स जो यूज की हुई है, और आई जो है करंट की स्ट्रेंथ होती है। तो मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड जब हम इस कॉयल को, S2 कॉयल को S1 कॉयल के पास मूव करवाते हैं, हमें पता है इसका मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि एक सोलेनोइड भी एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, एक एंड इसका नॉर्थ हो जाएगा, दूसरा एंड इसका क्या हो जाएगा, साउथ। तो मीनिंग जब इस कॉयल को हम इसके पास मूव करवाएंगे, तो हमें पता है इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, और गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। मान लो डिफ्लेक्शन राइट की तरफ आता है, और जब कॉयल को अवे मूव करवाया गया, तब डिफ्लेक्शन किधर ऑब्जर्व किया गया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मीनिंग क्या है, अगर एक कॉयल के पास जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा है, एक करंट कैरिंग अनदर कॉयल को हम इसकी तरफ मूव करवाते हैं या इससे अवे मूव करवाते हैं, इसके टुवार्ड्स द कॉयल मूव करवाते हैं या अवे फ्रॉम द कॉयल मूव करवाते हैं, तब भी हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है,
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। और उसके बाद अगर हम इसको रखते हैं स्टेशनरी, इसको रेस्ट पर रखते हैं, और इस वाली कोयल को हम इसकी तरफ मूव करवाते हैं या इससे अवे मूव करवाते हैं, तब भी गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि सेकेंडरी को हम रखेंगे स्टेशनरी और प्राइमरी को हम मूव करवाते हैं, तब भी हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो मीनिंग ये जितनी भी एक्टिविटी थी, ये सारी एक्टिविटी करने के बाद फैराडे ने कंक्लूड किया कि जब तक रिलेटिव मोशन आएगा, क्या आएगा, जब तक कॉयल और मैग्नेट के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, रिलेटिव मोशन होगा जब तक कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये उसने ऑब्जर्व किया है, वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कॉयल एंड ए मैग्नेट, गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मीनिंग जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि इस कोयल को, करंट कैरिंग कोयल को या किसी मैग्नेट को हम इसकी तरफ मूव करवा रहे हैं। जब हम इसको इसकी तरफ मूव करवा रहे हैं, इसका मीनिंग इस कोयल में से हम क्या चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमने की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। क्या डेफिनेशन थी, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन ए कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट, यानी कि किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करने की प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, अगर सर्किट हमारा कंप्लीट है तो करंट भी पास होगा। ऐसे करंट को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं ऐसे करंट को, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं।